नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो पाचन तंत्र वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से। आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा पाचन तंत्र। कौन सा हो जाएगा? पाचन तंत्र वाला चैप्टर हो जाएगा। और पाचन तंत्र को इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन डाइजेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन डाइजेशन, इंग्लिश में अपन इसे अपन डाइजेशन, अपन डाइजेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अपने शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है या हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों आपका जवाब होता है कि सर भोजन की आवश्यकता तो इसलिए होती है कि हमें भूख लगती है। नहीं दोस्तों, ये भूख तो लगती है लेकिन अपने शरीर को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए अपन क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है, और ऊर्जा के बारे में आप सभी जानते हो कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न तो इसका निर्माण किया जा सकता है, न ये नष्ट होती है। ऊर्जा का क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? स्थानांतरण होता है या रूपांतरण होता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन भोजन करते हैं और भोजन में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं अपने शरीर में क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, और वो किस में बदल जाती है? पेशी ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, फिर अपन बात आते हैं पाचन पर कि पाचन किसको बोलते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जटिल पोषक पदार्थों के एंजाइम की सहायता से और सरल अणुओं में बदलने को अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जटिल पोषक पदार्थ कौन से हैं, वो एंजाइम कौन से हैं, वो सरल अणु कौन से हैं, क्योंकि यहीं से पाचन की क्या होती है? शुरुआत होती है। फिर अपन देखते हैं कि वो जटिल पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, वो जटिल पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि एंजाइम वो कौन से हैं जिसकी सहायता से क्या होता है? पाचन होता है। फिर अपन बात करते हैं कि वो सरल अणु क्या हो जाएगा? सरल अणु। सबसे पहले देखिए कि जटिल पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एक नंबर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जटिल पोषक पदार्थ है और इसका पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? ठीक है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? तो एंजाइम का नाम हो जाएगा एमाइलेज। कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से या कार्बोहाइड्रेट की विघटन से क्या बनता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से आपको याद रखना ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जटिल पोषक पदार्थों के एंजाइम की सहायता से और सरल अणु में बदलने को ही अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जटिल पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंजाइम ये एमाइलेज हो गया, और सरल अणु कौन सा हो गया? सरल अणु हो गया ग्लूकोज। सरल अणु कौन सा हो गया? तो सरल अणु हो जाएगा ग्लूकोज। फिर अपन बात करते हैं आगे वाला हो जाएगा प्रोटीन। आगे वाला कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो आपको याद रखना एक नंबर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। और दो नंबर हो जाएगा पेप्सिन। कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन और पेप्सिन है, और इसके पाचन से क्या बनता है? तो इसके पाचन से बनता है अमीनो अम्ल। क्या बनता है? इसके पाचन से क्या बनता है? तो आपको याद रखना इसके पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा वसा। ठीक है, और वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना वसा का जो पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो आप याद रखना, उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा लाइपेज। कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। और वसा के पाचन से क्या बनता है? वसा के पाचन से या वसा की विघटन से क्या बनता है? तो आपको याद रखना एक तो हो जाएगा वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल। और फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ग्लिसरीन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ग्लिसरीन। और किसके पाचन से? वसा के पाचन से। ये तो हो जाएगा अपने पाचन की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये इम्प्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले जाएं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है।
प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है। और वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको याद रखना लाइपेज, क्योंकि ये भी क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या हर कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने देश अपने जो अपना जो पाचन है, अपना पाचन की क्रिया है वो दो चरणों में पूर्ण होती है दोस्तों। अपने जो पाचन की क्रिया वो कितने चरणों पूरी होती है, दो चरणों में, ठीक है। एक तो हो जाएगी यांत्रिक, एक तो क्या हो जाएगी यांत्रिक, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी रासायनिक, दूसरी क्या हो जाएगी रासायनिक, ठीक है। अब यांत्रिक और रासायनिक क्या चीज़ है, अपन भोजन जब मुख में लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, ठीक है। अपने भोजन का जो यांत्रिक जो पाचन होता है वो मुख में होता है, कहाँ होता है, मुख में होता है या अमाशय में होता है। इसमें क्या होता है, अपना भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। फिर यांत्रिक विघटन होने के बाद में क्या होता है, फिर रासायनिक विघटन होता है, ठीक है, रासायनिक विघटन होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भोजन का जो पाचन का जो चरण है वो दो चरण है, एक तो यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक पाचन हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एमाइलेज और ग्लूकोज बनता है। और यांत्रिक पाचन के बारे में बताया था कि मुँह में अगर अपन भोजन लेते हैं तो भोजन को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं दांतों की सहायता से, उसको अपन यांत्रिक पाचन कहते हैं और रासायनिक पाचन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पाचन मार्ग कि पाचन मार्ग कौन कौन से अंग मिलकर पाचन मार्ग बनाते हैं या आहार नाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें पाचन मार्ग के बारे में, कौन सा हो जाएगा पाचन मार्ग। और दोस्तों देखो पाचन मार्ग के बारे में अगर अपन देखें ना, तो सबसे पहले हो आता है मुख गुहा, सबसे पहले क्या हो जाएगा मुख गुहा, ठीक है। अपन सबसे पहले भोजन क्या करते हैं, मुख गुहा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और मुख गुहा से फिर क्या होता है, फिर आता है ग्रसनी, क्या आता है ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में क्या आता है, ग्रसनी के बाद में आता है, तो आपको याद रखना ग्रसनी के बाद में है ग्रास नाल, क्या होता है ग्रास नाल, या अपन कह दीजिए भोजन नाल, ठीक है। फिर ग्रास नाल के बाद में क्या होता है, अमाशय आता है, क्या आता है अमाशय, ठीक है। और फिर अमाशय के बाद में क्या आता है, तो आपको याद रखना छोटी आंत आता है, क्या है छोटी आंत। और फिर छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, भोजन कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत से कहाँ पहुंचता है, मलाशय, कहाँ पहुंचता है मलाशय में पहुंचता है। और मलाशय में, मलाशय से कहाँ पहुंचता है, फिर मल द्वार, और मल द्वार के द्वारा ये बाहर निष्कासित हो जाता है। ये संपूर्ण पाचन मार्ग है, मुख से भोजन होता हुआ ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नाल, फिर अमाशय, फिर छोटे आंत, छोटे आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, और फिर क्या होता है मल द्वार, ठीक है। अब दोस्तों अपने भोजन की जो पाचन की शुरुआत होती है, भोजन की जो पाचन की जो शुरुआत होती है, तो आपको याद रखना वो मुख गुहा से होती है, कहाँ से होती है, मुख से भोजन की पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और पूर्ण पाचन या सर्वाधिक पाचन या कहाँ होता है, वो छोटी आंत में क्या होता है, अपना जो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है या पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत का एक भाग उसको अपन कहते हैं गृहिणी, ठीक है। और छोटी आंत के इस भाग में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन होता है। और पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, वो होती है मुख गुहा से होती है, ठीक है। और मुख गुहा से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। अब अपन बात करते हैं ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी क्या चीज़ है, तो आप याद रखना दोस्तों कि मुख गुहा और ग्रास नाल के बीच में एक जो संरचना होती है, अपन भोजन निगलते हैं और उस ग्रस नली के द्वारा अपन क्या करते हैं, भोजन निगलते हैं, ये मुख गुहा और ग्रास नाल के बीच का भाग होती है, ठीक है। अब ग्रसनी के बारे में अगर अपन छोटी सी बात करें दोस्तों, आप याद रखना कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तो हो जाएगी श्वास नली, क्या हो जाएगी श्वास नली, ठीक है। और फिर हो जाएगी, ये हो जाएगी आहार, आहार नाल, ये हो जाएगी आहार नाल, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना, ये तो हो जाएगी श्वास नली और ये हो जाएगी आहार नाल, ठीक है, नहीं आहार नाल नहीं, इसको अपने, हाँ ठीक हो जाएगा, ये भोजन नाल कह दीजिए, भोजन नाल कह दीजिए, आहार नाल हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना एक कुंपीनुमा एक संरचना होती है, ये इस प्रकार से संरचना होती है, ठीक है। और इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस,
इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ग्रहसनेली का ही एक ग्रसनी का ही एक भाग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जब अपन भोजन निगलते हैं या अपन जब पानी पीते हैं, तो ये जो ढक्कनुमा संरचना है, ये ढक्कनुमा संरचना क्या करती है, श्वास नली को बंद कर देती है। श्वास नली को क्या करते हैं, बंद कर देती है। क्योंकि जब अपन भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो अपना जो भोजन और पानी वो श्वास नली में नहीं जाएं, और इसीलिए ये जो संरचना होती है इसको अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये किसका भाग होता है, ये ग्रसनी का ही भाग होता है, ठीक है। और इस एपिग्लोटिस को अपन क्या कहते हैं, शरीर का यातायात पुलिसकर्मी भी कहते हैं। शरीर का यातायात अपन इसे पुलिसकर्मी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से ये अपन बात करें कि जो पाचन मार्ग है, और पाचन मार्ग का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ठीक है। या अपन बात करें कि इस संपूर्ण पाचन मार्ग को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस संपूर्ण पाचन मार्ग को अपन दोस्तों अपन कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल या पोषण नाल। और आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, आहार नाल की शुरुआत होती है मुखवास से। और अंतिम भाग कौन सा है, तो अंतिम भाग होता है मल द्वार। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना 8 से 10 मीटर क्या होती है, आहार नाल की लंबाई में होती है। फिर अपन फिट में बात करें, तो फिट में आपको याद रखना 30 से 35 फीट क्या होती है, आहार नाल की लंबाई होती है। और आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, छोटी आंत। या सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपको याद रखना छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो छोटी आंत की लंबाई है दोस्तों आपको याद रखना 7 मीटर, ठीक है। और आज वाला अपना चैप्टर ही है कंप्लीट। कल अपन बात करते हैं कि मुख गुहा में जैसे दांत है, जैसे जीभ है, जैसे लार है, इनकी संपूर्ण जानकारी अपन जुटाएंगे कि अपने दांत कितने प्रकार के होते हैं, वो किस से बने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं। फिर अपन लार के बारे में बात करते हैं कि इसमें एंजाइम कितने होते हैं, उनका अपने शरीर में क्या कार्य होता है। फिर जीभ के बारे में बात करते हैं कि जीभ का क्या कार्य है, इसमें कौन कौन सी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है।